Hello everyone. Now I am going to teach you class 4 TBS chapter 11, the valley of flowers. So valley means kya hota hai? Valley means the lowland between two mountains or hills. Two mountains or hills ke beech mein niche ke place ko valley kehte hain. Jahan pe water bhi flow hota rehta hai, kabhi kabhi river behti hai. Us place ko hum valley kehte hain. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड में हिल्स पर. उत्तराखंड पर जो पहाड़ियां होती है वहां पर एक ऐसा प्लेस है जहां पर चारों ओर फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई देते हैं. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन वर्सेस. वहां पर कभी कभी किसी प्लेस पर चारों ओर रेड फ्लावर्स खिलते हुए दिखते हैं. While in others, one finds white flowers peeping out between the stones. और कहीं पर दूसरी ओर देखते हैं तो white flowers दिखते हैं peeping on stone, stone में से झांकते हुए, क्योंकि वहां पर stone ही stone होते हैं. जैसा कि आपको पता है कि जो उत्तराखंड है वहां पर वो पहाड़ी वाला एरिया होता है, वहां चारों ओर पत्थर ही पत्थर होते हैं. There are wide areas carpeted with the ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स. और कहीं पर येलो कार्पेट एरिया जैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे येलो कलर का कार्पेट बिछा हुआ है. एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास. और कहीं पर ब्लू फ्लावर्स चमकते हुए स्टार के जैसे चमकते हुए दिखते हैं बिटवीन द ग्रास, ग्रास के बीच में. ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम. ये एक ब्यूटीफुल ड्रीम जैसा लगता है, ब्यूटीफुल सपना. ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न. डजंट इट, यस, क्या ये सही है? यस, ब्यूटीफुल लाइक अ ड्रीम. ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि अ ड्रीम दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर. क्योंकि जैसे हमारा सपना होता है ना, ड्रीम, जब हम रात में सपना देखते हैं तो वो केवल कुछ समय के लिए ही हमें आता है सपना. इसी तरह से हमारे जो फ्लावर्स हैं वो केवल ईयर में कुछ मंथ के लिए ही खिलते हैं. नाउ क्लोज योर आईज एंड इमेजिन. अब आप अपने आईज क्लोज करना है और इमेजिन करना है. इमेजिन मीन्स होता है सोचना. आप सोचिए आईज क्लोज करके दैट यू हैव रीच्ड सच अ प्लेस, कि आप इस तरह के फ्लावर वाले प्लेस में पहुंच गए हैं. हाउ डज इट फील? चलिए आपने सोचा तो अब आप बताइए कि आपने कैसा फील किया. विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग? अब आपको कौन सा सॉन्ग गाने के लिए कह रहा है, लग रहा है कि हम कौन सा सॉन्ग गाएं? चलिए अब नीचे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर दीजिएगा. हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग टूगेदर एनीवेयर? वेयर? क्या आपने इस तरह के फ्लावर उगते हुए, अपने चारों ओर उगते हुए कहीं देखे हैं? और देखे हैं तो कहाँ देखे हैं? तो इसमें अगर आपने देखे हो तो आप इसमें यस लिख दीजिएगा, और अगर नहीं देखे हो तो नो लिख दीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट कलर फ्लावर हैव यू सीन? आपने किस किस तरह के फ्लावर देखे हैं? राइट द कलर्स, इसमें उनके कलर लिख दीजिए. लाइक आपने अगर येलो कलर देखा है तो येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, जितने भी कलर्स के फ्लावर आपने देखे हो वो इसमें आप राइट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85. Now you were just left counting, were not you? क्या आप उन कलर्स को काउंट कर पा रहे हैं या नहीं जितने फ्लावर्स आपने देखे हैं? क्योंकि फ्लावर्स तो मैनी कलर्स के होते हैं. Are there any things in your house? आपने अपने घर में कोई ऐसी things देखी है which have designs of flowers, जहां पर फ्लावर की डिजाइन बनी हुई है, made on them, like cloths, seeds, वेसिस एटसेट्रा. कुछ जैसे बेडशीट वगैरह होती हैं या साड़ीज होती हैं मम्मी की, तो उन पर भी फ्लोरल डिजाइन बनी होती है, बेडशीट पर भी होती है, और आपके जो कर्टेंस होते हैं उनमें भी फ्लावर डिजाइन होती है. आपके घर में जो भी क्लॉथ्स हो आप उनमें देखिएगा कि उनमें फ्लावर डिजाइन बनी हुई है क्या, और फिर बताइएगा मुझे. हेयर इज अ फ्लोरल डिजाइन इन द बॉक्स बिलो. अब आप पेज नंबर 85 में देखिए, एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर डिजाइन बनी हुई है, फ्लोरल डिजाइन बनी हुई है.
इस डिजाइन को हम क्या कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस टॉपिक में से। एंड ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। इस पिक्चर में जो डिजाइन बनी हुई है उस डिजाइन को हम मधुबनी कहते हैं। इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फॉक आर्ट। ये फॉक आर्ट की ओल्ड फॉर्म है। डू यू नो वाई इट इज कॉल्ड मधुबनी। अब क्या आप बता सकते हैं कि हम इसको मधुबनी क्यों कहते हैं। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबनी। हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड हैप्पी ओकेजन। यहाँ पर जब फेस्टिवल होते हैं और कोई भी हैप्पी ओकेजन मीन्स कोई भी खुशी का त्योहार होता है। द वॉल्स ऑफ द हाउस एंड देयर कर्टयार्ड मीन्स घर की दीवारों पर या कर्टयार्ड मीन्स चारों ओर आंगन, आंगन में चारों ओर आर पेंटेड विथ सच पिक्चर्स। इस तरह की पिक्चर्स को बनाया जाता है। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस इन विच कलर्स हैज बीन मिक्स्ड। और ये जो पिक्चर बनाई जाती है ये इनमें किस तरह के कलर यूज होते हैं, इनमें होते हैं पाउडर्ड राइस से कलर बनाया जाता है। राइस मीन्स चावल, सभी लोग जानते हैं, उसको पीस के, राइस को पीस के उनका पाउडर बनाया जाता है और फिर उसमें डिफरेंट कलर्स मिलाए जाते हैं। अब वो कलर्स किससे मिलाए जाते हैं, वो कलर्स भी नेचुरल थिंग्स से बनाए जाते हैं। जैसे द कलर्स यूज इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। मधुबनी पेंटिंग में जो कलर होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्यों होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल थिंग्स से बनाए जाते हैं और उन कलर्स से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। टू मेक देम इंडिगो, इंडिगो मीन्स होता है नील, जो कपड़ों में लगाते हैं। तो अगर हम राइस में, राइस पाउडर में थोड़ा सा नील का पाउडर मिला देंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। एंड टर्मेरिक हल्दी, और हल्दी मिला देंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। एंड कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज, और कुछ फ्लावर्स से और ट्रीज से भी डिफरेंट कलर्स बनाए जाते हैं, जैसे रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर, तो इनसे रेड और पिंक कलर बनता है। और जो लीव्स होती हैं, ट्रीज की लीव्स होती हैं, उससे ग्रीन कलर बनता है। उसको धूप में रख देते हैं ड्राई करने के लिए और सूख जाती है तो उनको पीस लिया जाता है तो वो कलर के फॉर्म में आ जाती है। द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स। अब इस पेंटिंग में क्या शो होता है, क्या दिखता है, मीन्स क्या बनाते हैं हम इन पेंटिंग में। तो आप देखिए, आपको ये बॉक्स में जो पेंटिंग बनी है इसमें दिख रहा होगा क्या क्या बना हुआ है। तो पेंटिंग में क्या क्या रहता है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिशेस एंड एनी अदर एनिमल्स। इसमें हम ह्यूमन बींग्स भी बना सकते, एनिमल्स भी बना सकते, ट्रीज, फ्लावर, ये सारी नेचुरल थिंग्स बना सकते हैं। ये जो जो इसमें है ना, ये देखिए, इस पेंटिंग में हमने आपको बताया कि ये नेचुरल कलर से बनती है और नेचुरल थिंग्स बनाई भी जाती हैं इसमें, इसीलिए ये पेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ योर ओन डिजाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। मीन्स आप अपनी नोटबुक में इस तरह की ड्राइंग बनाइए, मधुबनी पेंटिंग बनाइए और उसमें कलर भी कीजिए। लुक एट द डिजाइंस मेड बाय योर फ्रेंड्स एज वेल, और अपने फ्रेंड्स की बनी हुई डिजाइन भी देखिए कि उसने किस तरह बनाई है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 86, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है फ्लावर्स की। मार्कर टिक ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज, मीन्स जिसको आप पहचानते हो उसमें टिक मार्क करना है। राइट देयर नेम टू इफ यू नो, अगर आप उसका नाम जानते हैं तो आपको नेम भी राइट करना है। जैसे फर्स्ट है आपका चाइना रोज एंड सेकेंड रोज, फर्स्ट चाइना रोज को आप हिबिस्कस भी कहते हैं, गुड़हल जिसको कहते हैं हिंदी में, एंड सेकेंड रोज जिसको गुलाब कहते हैं, थर्ड सनफ्लावर एंड फोर्थ
मैरीगोल्ड, ये भी आप सभी जानते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पे है आपका वाइट फ्लावर, ये है चंपा। एंड नेक्स्ट सिक्स नंबर पे जैस्मिन, सेवन नंबर पर तुलसी, ये तुलसी प्लांट है, तुलसी प्लांट भी फ्लावरिंग करता है। एंड नेक्स्ट है नाइट क्वीन, एंड लास्ट है डहेलिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव, ऊपर जो पिक्चर दी हुई है फ्लावर्स की, एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो, और भी अदर फ्लावर्स जो आप जानते हो, गिव नेम्स ऑफ टू फ्लावर्स विच। अब यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर राइट करना है। जैसे फर्स्ट है ग्रो ऑन ट्रीज, ट्री पर ग्रो होने वाले टू फ्लावर, जैसे फर्स्ट है गुलमोहर, गुलमोहर जो रेड कलर का होता है और बहुत बड़ा ट्री होता है, पूरा रेड रेड दिखाई देता है, ये बहुत अच्छा फ्लावर होता है इसका। एंड नेक्स्ट है कदम। सेकेंड क्वेश्चन, ग्रो ऑन बसेस, बसेस पर भी कुछ फ्लावर्स ग्रो होते हैं, जैसे फर्स्ट तो है इसमें रोज, एंड सेकेंड हिबिस्कस गुड़हल, एंड थर्ड ग्रो ऑन क्रीपर्स, क्रीपर प्लांट पर कौन से फ्लावर ग्रो होते हैं, तो वो है फर्स्ट है चंपा एंड सेकेंड स्नो वाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रो ऑन वाटर प्लांट, तो वाटर में कौन कौन से प्लांट फ्लावर ग्रो होते हैं, वो है लोटस एंड वाटर लिली। एंड नेक्स्ट ब्लूम ओनली एट नाइट, जो केवल रात में खिलते हैं, वो है जैस्मिन एंड नाइट क्वीन। नाउ नेक्स्ट, ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, ब्लूम मीन्स खिलना, जो दिन में खिलता है और नाइट में बंद हो जाता है, वो है सनफ्लावर एंड लोटस। नेक्स्ट, विच यू कैन रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विथ योर आईज क्लोज्ड, मीन्स हम उसके सेंट से उसको पहचानते हैं, यहाँ तक कि हमारी आईज क्लोज होती हैं तो भी हम उसको पहचान लेते हैं, वो है रोज एंड जैस्मिन। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इनको हम दूर से ही पहचान लेते हैं। नेक्स्ट, विच ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड, जो पूरे साल भर खिला रहता है, खिलता है, वो है रोज एंड कुमुदनी। नाउ नेक्स्ट, विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ, केवल कुछ ही मंथ में खिलता है, वो है मैरीगोल्ड एंड ट्यूलिप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 87, यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने इस तरह का बोर्ड कहीं रखा हुआ देखा है? सो जरूर देखा होगा आपने गार्डन में इस तरह का बोर्ड। आंसर इज राइट, यस। डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन वेन दिस बोर्ड इज हियर, क्या पीपल फिर भी फ्लावर तोड़ते हैं यहाँ तक कि ये बोर्ड भी रखा हुआ है फिर भी? सो आंसर इज येस। नाउ थर्ड, वाई डू यू थिंक दे डू दिस, क्या आप सोचते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? आंसर इज दे डू नॉट ओबे द रूल्स, क्योंकि वो रूल्स का पालन नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट, शुड दे डू दिस, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, इफ एवरीबडी प्लक्ड फ्लावर व्हेन व्हाट वुड हैपन, अगर सभी लोग फ्लावर तोड़ेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी नो फ्लावर, अगर सारे लोग फ्लावर तोड़ेंगे तो फिर फ्लावर ही नहीं बचेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 88, लेट अस लुक क्लोजली, चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स मे ब्रिंग वन और टू फ्लावर्स टू क्लास, बच्चे जो फ्लावर लेके आते हैं क्लास में, उनको केवल एक या दो फ्लावर ही लेके आना है क्लास में। रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स, और ये याद रहे कि फॉलन मीन्स होता है गिरे हुए, कि उनको केवल नीचे गिरे हुए फ्लावर ही कलेक्ट करके लाना है। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर, कोई भी फ्लावर को तोड़ना नहीं है, प्लक मीन्स होता है तोड़ना। मेक ग्रुप ऑफ थ्री और फोर चिल्ड्रन, थ्री और फोर चिल्ड्रन का ग्रुप बनाना है, एंड लुक एट वन फ्लावर केयरफुली, और उन सभी को
एक एक फ्लावर को केयरफुली में सावधानी से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का कलर कैसा है, तो जिस कलर का फ्लावर हो गया होगा वो इसमें आप राइट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट डज इट हैव, इस फ्लावर में किस तरह का सेंट है या बनाया जाता है, तो जिस तरह का सेंट होगा वो आप इसमें राइट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज इट लुक लाइक, अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स, ये जो फ्लावर है वो कैसा आपको दिखाई दे रहा है, एक बेल के जैसा और बाउल के जैसा या ब्रश के जैसा या एनीथिंग एल्स, तो जो भी साइज शेप होगा आपके फ्लावर का वो आप इसमें राइट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेज, क्या ये फ्लावर बंचेज में ग्रो होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो बंचेज में ग्रो होते हैं, तो जो भी आपका फ्लावर होगा वो इसमें राइट करिएगा। हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव, अब इसमें पेटल्स को बताना है आपको, तो कितने पेटल्स हैं आपके फ्लावर में वो राइट कर दीजिएगा। आर ऑल द पेटल्स ज्वाइन टुगेदर और सेपरेट, क्या सभी पेटल्स सेपरेट हैं या ज्वाइन टुगेदर हैं, वो आप देख के इसमें बताइएगा। आउटसाइड द पेटल्स, पेटल्स के बाहर, कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, क्या आपको ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिख रही है, हाउ मैनी आर देयर, जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होती है पेटल्स के आउटसाइड वो होते हैं सेपल्स, तो वो आपको काउंट करके बताना है कि वो कितने सेपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द पेटल्स, इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के मिडिल में, पेटल के अंदर, कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर, क्या आपको कोई थिन स्ट्रक्चर दिख रही है, राइट द कलर, उसका आपको कलर राइट करना है, तो आप इसको भी फ्लावर में देख के कलर राइट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू टच दीज डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड, क्या आपको इसको टच करने के बाद कोई पाउडर जैसी थिंग्स दिखाई दे रही है, समझ में आती है कि ये पाउडर स्ट्रक्चर है। नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 89, ब्लूमिंग बर्ड्स, ब्लूमिंग मीन्स होता है खिलना, बर्ड्स ब्लूम होके फ्लावर बन जाता है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट, आपने प्लांट में बर्ड्स जरूर देखी होगी। इफ देयर आर एनी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स growing near your house, home or school, look carefully at their buds. आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास कोई प्लांट जो फ्लावर देता है उसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा और उसकी बर्ड्स को भी देखिएगा। What differences do you find between the flower or a birds? एक फ्लावर में और बर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, तो बर्ड इज स्मॉल एंड पॉइंटेड, बर्ड स्मॉल होती है और पॉइंटेड होती है, एंड फ्लावर इज लार्जर एंड स्प्रेड, फ्लावर उसका लार्जर बड़ा होता है और स्प्रेड फैला हुआ होता है, उसकी जो पेटल्स हैं वो ब्लूम होके खिल जाते हैं और फैल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में एक बर्ड की पिक्चर बनाना है और एक फ्लावर की बनाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट, क्या आप बता सकते हैं कि एक बर्ड को ब्लूम होने में मींस खिलने में कितना टाइम लगता है, तो इसको आप ट्राई करना है, देखना है और फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ द प्लांट, अब आपको एक प्लांट देखना है जिसमें बर्ड लगी हुई है और वो ग्रो हो रही है, उसको एवरी डे देखना है और उस प्लांट का नेम भी आपको राइट करना है
और ये पता करना है कि वो कितने दिन में ग्रो होती है, और जितने दिन में वो बड ग्रो होती है, बड ग्रो के फ्लावर बन जाता है, वो आपको इसमें आंसर में राइट कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड द डेट वाज, जब आपने फर्स्ट डे बर्ड को देखा था वो डेट इसमें राइट करना है। नाउ व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर, और फिर जब वो बर्ड एक फ्लावर में ब्लूम हो जाती है, फ्लावर में खिल जाती है, द डेट इज, जब वो बर्ड से फ्लावर बन जाता है, तो उसकी डेट यहाँ पर नीचे राइट करना है। हाउ मैनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर, कितने दिन लगे एक बर्ड से फ्लावर बनने में, कितना टाइम लगा, वो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताइएगा और राइट कीजिएगा इसमें। नाउ नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड्स द नेम ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन, अपने फ्रेंड से वो डिफरेंट फ्लावर्स के नेम पूछना है जो उसने देखे हैं। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर, और जो आपके फ्रेंड्स ने बर्ड्स देखी थी, मीन्स बर्ड्स से फ्लावर बनता हुआ देखा था, वो टाइम भी उससे पूछना है। नाउ नेक्स्ट, ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मैनी डेज इट टेक फॉर द सेम फ्लावर टू ड्राई अप, और फिर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो फ्लावर होता है उसको ड्राई अप करने में कितना टाइम लगता है, मीन्स सूखने में कितना टाइम लगता है। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 89 तक। पेज नंबर 90 से 95 को मैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊँगी। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।